राइट टाइम हो रहा है भाई, कोई नहीं भाई, आज 9 बजे आ रहा हूं। हां कप्तान लोग अंदर अंदर तुम करो इसको जो शेयर मिलना चाहिए। कौन अपराध कहाँ कर रहा है उसके बारे में अगर सूचना मिलती है संबंधित अधिकारी को सूचना दी जाती है। कैसे देते हो सूचना? सर जो अपने थानाध्यक्ष को देते हैं, सीओ साहब को देते हैं और इनके माध्यम कैसे देते हो सूचना? कैसे देते हो सर? फोन द्वारा बता देते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि और कोई ATM वगैरह? जो ईडी के बनने के बाद ये मेरा पहला अवसर है कि मैंने मथुरा जनपद का भ्रमण किया। अरे यार, मुख्यतः मैं दो कार्यों के लिए आया था। एक हमारा ये जो नव निर्मित बैरक है उसको लोकार्पण करने के लिए। आप सभी को मालूम है कि बैरक का एक अपना महत्व है हमारे पुलिस कर्मियों के लिए, हमारे जवानों के लिए। 7 करोड़ की लागत से बना ये बैरक जिसमें 200 के लगभग जवान हमारे निवास करेंगे और उनके लिए बहुत ही अच्छा बहुमंजिलीय ये इमारत बनी है जिसमें कॉमन फैसिलिटीज़ है, जिसमें मेस है। बैरक्स में 200 आदमियों के रहने की व्यवस्था है। इसका हमने आज उद्घाटन किया और इसको लोकार्पित किया। साथ ही साथ SSP मथुरा ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की कि यहाँ पुलिस मॉडर्न स्कूल जो मेरा है उसको उन्होंने रिनोवेट किया और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंतर्गत इन्हें कुछ फंड मिला। उस फंड से इन्होंने उसको रिनोवेट करके और स्कूल को बहुत अच्छा किया, जिसका मुझे आज देखने